नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत के सभी दर्शकों को माय भारत की तरफ से सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। माय भारत पर समय हो चुका है यूके स्पेशल का, तो आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई यानी सोमवार को कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ देशभर में मनाई जा रही है। इसी सिलसिले में चमोली के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भारतीय सेना के साहस और शौर्य को नमन करते हुए उन्हें माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोलेनाथ शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता था, मगर इस साल कोरोना के चलते श्रद्धालु की संख्या में काफी कमी आई है। शिव के ससुराल कनखर में दीक्षित महाराज मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस साल मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। चमोली में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान पहाड़ों की ऊंचाई पर बने शिव मंदिरों में भी शिव के जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार अपना सदस्यता अभियान चला रही है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने जिले के 3 विधानसभा के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर केजरीवाल मॉडल की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के गारंटी कार्ड के बारे में जानकारी दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया, साथ ही बड़ी संख्या में इस योजना के तहत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर में बीते कई दिनों से सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी 11 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य का बहिष्कार करने से काशीपुर कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे नाराज होकर नगर निगम क्षेत्र में कर्मचारियों ने कार्यों का बहिष्कार किया और नगर निगम क्षेत्र अब कूड़े के ढेर में तब्दील होने से बीमारियों को भी आमंत्रित कर रहा है। उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।